प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी को बड़ी सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी आवास योजना के तहत यूपी को 2691 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जा रहा है, जिससे 6 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर मिलेगा। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। तो हमें आशीर्वाद दोगे आप? हाँ, आशीर्वाद दें। क्या आशीर्वाद दोगे बताइए? हाँ, आप गरीबों के छत देखे बहुत खुशी है। अच्छा, आपने कमला जी कभी सोचा था कि आप घर की मालकिन बन जाएगी? कभी नहीं, आपके कृपा से घर हो गया। नहीं, मेरी कृपा क्या है, आपकी तपस्या है। ये तो देश हम सबका है, मेरा नहीं है, आप सबका भी है। हाँ, सबका। तो ये घर अब आपके नाम होगा, ये आपको मालूम है कमला जी? हाँ, नाम हो। हाँ जी। अच्छा, आप और क्या काम करती हैं कमला जी? खेती करते हैं, बकरी शंभू में है, बकरी पालन। अच्छा, तो वहाँ ये जो महिलाओं के स्वयं सहायता जूझ समूह चलते हैं, उसका कभी लाभ लिया है आपने? हाँ सर, 30,000 लेके 10 बकरी ले ले। तो कितनी महिलाएं काम करती हैं आपके समूह में? 12 महिलाएं। तो आप लोग मिल करके तय करते हैं क्या करना है? हाँ, आपको मिलके। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, सारी योजना लाभ। अच्छा, चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और पक्का घर मिल गया है तो और भी प्रगति हो, और आप सबके आशीर्वाद बने रहे हम लोगों पर, ताकि हम काम ज्यादा करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं ग्राम पंचायत मुमताज नगर विकासखंड मसौदा जिला अयोध्या की श्रीमती कुमकुम को माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता के लिए आमंत्रित करता हूं। कुमकुम जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर। कुमकुम जी बताइए, आप तो अयोध्या की धरती पर हैं। यस सर। हाँ, आप अंग्रेजी बोलती है? यस सर। आपकी पढ़ाई क्या हुई कुमकुम जी? ज्यादा नहीं पढ़े सर, 8th class पढ़े हैं। स्कूल में थोड़ा काम करते इसलिए एक्सपीरियंस है सर। हाँ। आया का काम करते हैं सर। अच्छा, आपका अपने घर का सपना जल्द पूरा होना जा रहा है। हाँ, कोरोना के समय में आपको कई कठिनाई आए होगी? बहुत दिक्कत थी झेलना पड़ा। आपको लगा कि इसमें भी आपका घर बन जाएगा? नहीं लगा तो नहीं सर, लेकिन अब महसूस हो रहा कि हमारा घर है सर। हाँ, मिल गया है। हाँ। अच्छा कुमकुम जी, ये बताइए कि इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए आपको कोई सी प्रकार की दिक्कत आई क्या? नहीं सर। कठिनाई हुई क्या? नहीं सर। हाँ, दफ्तर में चक्कर काटने पड़े, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, ऐसा हुआ? नहीं नहीं सर, हमारे गांव के प्रधान जी हैं। हाँ। उन्हीं से वो हुआ है संपर्क, बस उन्हीं के माध्यम से ये आज कार्य पूरा हो रहा है सर। अच्छा, चलिए, बहुत जल्द आपका घर बहुत अच्छा बन जाए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप बच्चों को जरूर पढ़ाइए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब मैं ग्राम पंचायत चुनैटी गाड़ा विकासखंड बलिया खेड़ी जिला सहारनपुर की श्रीमती बाला को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। बाला जी नमस्ते। नमस्ते जी सर। नमस्ते। आप क्या काम करती है बाला जी? मैं तो मजदूरी करती हूँ सर। अच्छा, काम मनरेगा में? हाँ, नरेगा में भी करती हूँ जी। हाँ, भैंस भी पालती हूँ जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको किसी भी सरकारी योजना के लाभ की कभी किसी बिचौलिए को किसी ने कहा होगा आपको मकान देंगे, 500 रुपया मुझे दे दो, 1,000 रुपया मुझे दे दो, इतना पैसा मुझे, ऐसे कोई किसी ने गड़बड़ किया है आपके साथ?
हाँ ना सर जी, मेरे तो घर ही जा कर के अधिकारी और मेरे फोटो वगैरह ले आए थे। हाँ, तो कोई कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई सर। अच्छा, पैसा सीधा आपके खाते में आ गया? अच्छा जी। अच्छा अच्छा, आपके गांव में बिजली है? हाँ बिजली है जी, पानी भी है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, सड़कें पक्की हैं? हाँ जी सर। अच्छा, जब आपका अपना पक्का घर होगा, हाँ जी, तो आप क्या सोचती हैं, आपके परिवार की सुरक्षा बढ़ेगी, तकलीफ कम होगी, क्या लगता है आपको, घर बनेगा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा जी। हाँ, तो हमको भी कभी खाने में बुलाओगे? हाँ जी बुलाएंगे। पक्का? क्या क्या पकाती हो आप बढ़िया? हाँ जी बुलाएंगे। हाँ, आपको धन्यवाद, बुलाएंगे जी सरकार। अच्छा चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आप सबके आशीर्वाद बने रहे ताकि सबके घर बन जाए और कोई गरीब बिना घर को न रहे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको धन्यवाद जी, लंबी उम्र दे भगवान आप बार बार सरकार बने। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस शुभ अवसर पर उनके आशीर्वचन व संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी खास करके माताएं बहनें, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका अपना घर, सपनों का घर, बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही सूर्य उत्तरायण में आया है। कहते हैं ये समय शुभकामनाओं के लिए बहुत उत्तम होता है। इस शुभकामना और ये शुभ समय उसमें आपका घर बनने के लिए धनराशि मिल जाए तो आनंद और बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कोरोना की वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। अब ये एक और उत्साह बढ़ाने वाला काम हो रहा है। आप सभी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला, आपने अपने भाव भी व्यक्त किए, आशीर्वाद भी दिए और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर एक खुशी थी, संतोष था, एक एक महान जीवन का बड़ा सपना पूरा हो रहा था, ये आपकी नजरों में मुझे दिखता था। आपकी ये खुशी, आपके जीवन में सुविधा भरे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हमारे कैबिनेट के सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री भाई महेंद्र सिंह, अलग अलग गांवों से जुड़े इन सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है। इस पवित्र अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरु साहब की मुझ पर बहुत कृपा रही है। गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। साथियों, मुझे आज
ये भी खुशी है कि यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। इसी गति का उदाहरण आज का ये आयोजन भी है। आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब करीब 2700 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। इनमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है, यानी इन 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के जीवन का इंतजार आज खत्म हो रहा है। ये दिन आप सभी के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना शुभ दिन है, ये मैं भली भांति समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं और मन में एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आज 80,000 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है, उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। उसे लगता है कि जब घर बना लिया है तो एक दिन अपनी गरीबी भी दूर करके रह लेगा। लेकिन हमने देखा है कि पहले जो सरकारें रहीं उस दौरान क्या स्थिति थी। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गरीब को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थी, जिस तरह के घर उनके तहत बनाए जाते थे वो भी किसी से छिपा नहीं है। गलती गलत नीतियों की थी, लेकिन नियति के नाम पर भुगतना पड़ता था मेरे गरीब भाइयों और बहनों को। गांव में रहने वाले गरीबों को इसी परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी
करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 1.25 करोड़ घरों की चाबी। इन घरों को बनाने के लिए करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आवास योजना का जिक्र आते ही मुझे कुछ पुरानी बातें भी याद आती है। जब पहले की सरकार थी, बाद में आपने तो उनको हटा दिया, मुझे याद है कि 2016 में हमने ये योजना लॉन्च की थी तो कितनी परेशानियां आई थी। पहले जो सरकार थी उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरफ से मेरे दफ्तर से चिट्ठियां लिखी गई थी कि भाई गरीबों के लाभार्थियों के जरा नाम भेजिए ताकि इस योजना का लाभ उनके बैंक खातों में हम पैसे भेजते हैं। हम पैसे भेजने के लिए तैयार थे, पैसे तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार की सारी चिट्ठियों को, अनेक बैठकों के दौरान किए गए आग्रह को नजरअंदाज किया जाता रहा। उस सरकार का वो बर्ताव आज भी यूपी का गरीब भूला नहीं है। आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है उनकी पूरी, इतने कम समय में यूपी के गांवों में 14.5 लाख गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिल भी गया है। और मुझे आज ये देखकर अच्छा लगता है कि यूपी में सीएम आवास योजना का ज्यादातर काम इसी सरकार में हुआ है। साथियों, हमारे देश में हाउसिंग स्कीम का इतिहास दशकों पुराना है। पहले भी गरीबों को अच्छे घर, सस्ते घर की जरूरत थी, लेकिन उन योजनाओं को, उनके अनुभव गरीबों के लिए बहुत खराब रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बता रहे थे कि पीएम